यहाँ से पेड़ गिरा है सीधा इस पे गाड़ी बर्बाद खत्म। GoPro DSLR दोनों से मस्त बना रहे। 6 बजने वाला है अभी भी देखो हम मनाली को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कहीं खूबसूरत लग रहा है, देख रहे चारों तरफ भाई हमारा पागल हो गया। ए हमको अभी का टेम्परेचर देखो -13 डिग्री। आपको और थोड़ी देर में मनाली पहुंच जाएंगे। ऐसा लग रहा हम जन्नत में आ गया, जन्नत। ये देखो यहाँ भाई हमारा वो न्यू शूट कर रहा है भाई, एक नंबर। एक और कोशिश ऑल्टो की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी हम पहुंच गए मनाली। मनाली नहीं, जैसा कि आपने रात को देखा ना, मनाली से 5-6 किलोमीटर पहले ही हमारा टायर स्किड करने लगा, पूरा ब्लैक आइस रोड पे था। तो फिलहाल हम है 5-6 किलोमीटर दूर अभी मनाली से। 5-6 किलोमीटर नहीं, देखो राजा अलग ही खुश है। देखो बाबा तुम नहीं आए, देखो बाबा का हमारा पेट खराब हो गया। इतना ज्यादा खाना खा लेता है ना, उसका पेट खराब हो गया। अभी लोग चैन बांध के जा रहे हैं। ये देखो पूरा खुश है भाई हमारा, देखना माता पे ना गिर जाए। तो यहाँ से मनाली और 5-6 किलोमीटर ही बस दूर है, 7-8 किलोमीटर ना राजा, और यहाँ से 7-8 किलोमीटर ही दूर मनाली है बस। तो यहाँ से अब हम भी चलते हैं। अब गाड़ी आ जा रहा है, इसका मतलब अब लग रहा है ब्लैक आइस जो है वो खत्म हो गया होगा। तो हम भी अब चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि हमें मनाली जाना है। हमें लगा था हम रोहतांग पास चले जाएंगे या फिर अटल टनल क्रॉस करेंगे, लेकिन अब यहाँ का बस देख के लग नहीं रहा है कि हमारी गाड़ी इसमें चलेगी। तो हो सके तो आगे 4x4 भी गाड़ी रेंट पे लेते हैं और भाई को हम पूरा घुमाते हैं अटल टनल से लेके एकदम सब कुछ। यहाँ पे हमने काफी सारे फोटो खिंचाए हैं और रील भी बनाए हैं, वो भी सारे देखिएगा जरूर जरूर इंस्टाग्राम का आपको दिखेगा। अभी हम फिर से निकलते हैं मनाली के लिए। हमारी गाड़ी 4x2 है ना, चली नहीं थी एकदम, ऊपर से एकदम टायर देखो पुराना है, गोल गोल घूम रहा है बेटा, पुराना एकदम चिकना हो गया। ऐसा लग रहा हम जन्नत में आ गया, जन्नत। मजा आ रहा है भाई, कल स्नोफॉल हुआ है देखो, एकदम गाड़ी एकदम ढक गया है। ये कल का है बस, इधर देखो। और सुबह 5 बजे तो पहुंचे ही, तो अब 2 घंटे के लिए क्या होटल है, गाड़ी में मस्त सीट चला के सो गए। अभी 10 बज रहे, तो अब हम निकलते हैं मनाली के लिए। जाम देखो भाई, मिलाएंगे। एक तो गाड़ी हमें बढ़िया मिल गया, ऑटो कट भी हो जा रहा है, फ्यूल भी बच रहा है। और थोड़ी देर में मनाली पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ बर्फ देखो कितनी है। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं हिडिम्बा देवी के टेंपल, और बाहर का वेदर देखो, जाम बहुत है, दूर दूर तक जाम ही दिखेगा आपको। अभी तक हम कुछ खाए नहीं है, कोई दुकान ही नहीं मिल रहा भाई जहाँ हम खाना खाएं। मनाली क्रॉस हो गया, हम सोचे जहाँ तक हमारी गाड़ी जाती ना, अटल टनल हो गया, शिशु हो गया, रोहतांग पास, जहाँ तक जाती हम जाते हैं। लेकिन मनाली क्रॉस करते ही देख रहे हो यहाँ पर इतना भारी बर्फबारी हुआ है कि इसमें कार जा ही नहीं रहा कोई भी। जिप्सी वगैरह जा रही है, हो सके तो रेंट की गाड़ी जिप्सी लेकर जाएंगे। देखो मनाली सब इंजॉय करने आते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। जैसे इनका देखो, यहाँ से पेड़ गिरा है सीधा इस पे, गाड़ी बर्बाद खत्म। ये अभी मनाली के आगे कहीं खड़े हैं, देख रहे हो। नहीं आना भी है, जाना है हमें दोनों। 5000 पीना देगा, पता नहीं और कितना घंटा लगेगा हम लोग को, लेकिन लगेगा भाई, घंटा तो लगेगा, 2-4 घंटा तो और लगेगा। 5-6 घंटा हो गया बताओ, अभी तक हम अपने होटल पे नहीं पहुँचे। सुबह 9 बजे से हम लोग मतलब मनाली में ही गोल गोल घूम रहे भाई, इतना जाम है। एक बार आप कहीं जा रहे हो फिर गाड़ी नहीं मिला, पर आप लास्ट तक जाओ होटल नहीं मिला फिर आओ। तो ये करते करते हम फिर क्या किया, जहाँ हमने पहली बार अपना गाड़ी पार्क किया था ना मनाली में, फिर से देखो वहीं गाड़ी पार्क कर दिया। अब हम आराम से होटल खोजेंगे। 400 रुपये इसने लिया है हमें 24 घंटे का, तो यहीं की 24 घंटे लिए गाड़ी छोड़ते हैं और होटल देखो इधर लेते हैं। इधर गाड़ी पॉसिबल नहीं है जाना ना, तो यहीं पे लगा देते हैं। बर्फ देखो नॉर्मल गलियों में, देखो ये लेयर है बर्फ का भाई भाई भाई, यार आगे तो और ज़्यादा है। तो अब गाड़ी इसमें जो लग गया है ना, अब कितने दिनों तक खिलेगी नहीं। चलो फिलहाल पराठा ऑर्डर किया और ये चाय पी रहे हम तीनों। चीनी की जगह जहर डाल दिया, इतना मीठा कर दिया पूछो मत। ये आ गया हमारा देखो आलू पराठा, ये अचार, एक और पराठा हमने मंगा लिया भाई, पराठा अच्छा इसका, ये है पनीर पराठा। वो था खाना खा लिया, ये देखो गाड़ी खड़ा है और ऊपर यहाँ भी बर्फ भर गया। अरे भाई अभी हम फिलहाल मॉल रोड जा रहे हैं। ये देखो यहाँ भाई हमारा वो न्यू शूट कर रहा है भाई। ये देखो अभी हम माउंट एवरेस्ट पे यहाँ पे खड़े हैं, आपको हर जगह माउंट एवरेस्ट वैसे देखने को मिलेगा, क्या देखने मिलेगा आपको। दौड़ गया अभी थोड़ी देर पहले, एकदम न्यूज 18 वाले लाइव न्यूज बना रहे थे। कितना आदमी देख रहा था? 9 जन देख रहा था। हमने न्यूज चैनल नाम लिया, आ गया 9 आदमी वाचिंग कर रहा है। मेहनत बहुत कर रहा है, बहुत मेहनत है तेरा हो गया। खाना पीना खा लिया, अब हम चलते हैं गाड़ी में, कैमरा लेकर आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं भाई, एक नंबर फोटो आएगा। चलो पेड़ में भी एकदम बर्फ जम गया भाई, इतना खूबसूरत लग रहा है क्या ही बताए आपको। ये वैसे हमारा पार्किंग है, यहाँ पे भी हमें गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि एक तो ऊंचाई पे ऊपर से टायर स्किट मार रहा था। ये देखो बर्फ, ये देखो छत के ऊपर पे एकदम बर्फ जमा है और ऊपर बादल आ गया, स्नोफॉल होगा थोड़ी देर में, लग तो रहा है। कहाँ ही खूबसूरत लग रहा है भाई, महंगी ऑलरेडी लगी है। राजस्थान नंबर है,
लेकिन वीआईपी नंबर होना चाहिए था, इतना लग्जरी गाड़ी है। जान दे लगेगा, आवाज करेगा। पार्किंग, अपने पार्किंग आ गया, कपड़ा वपड़ा पहन के निकल गया, मस्त एकदम रेडी हो गया। ठंडा तो लगेगा ही नहीं भाई, दो दो सॉक्स पहन लिया है, दो दो जीन्स पहन लिया है, दो दो जैकेट पहन लिया है। तो देखो मनाली में कौन कौन सा जगह घूमने वाला है, आपको घुमाते हैं। एक नंबर, पूरा एंजॉय कर रहे भाई। मनाली में देखो दो चीज मेन घूमने वाला, एक है हडिम्बा देवी का टेम्पल, दूसरा है मॉल रोड, और एक और चीज़ है तीसरा, वो आपको हम लास्ट में दिखाएंगे। सरप्राइज है, मतलब हमें भी नहीं पता, इसीलिए सरप्राइज है, केवल जाके पता करके बताएंगे भाई। तो अभी हम चलते हैं हडिम्बा देवी के टेम्पल, वहाँ पे फोटो बहुत अच्छा आता है, वहाँ जाके पता चलेगा वो एक नंबर में क्यों है मनाली पे। अब इससे एक लौंडा आया, कान में धीरे से बोल रहा है, कान से पार हो रहा है, माल कही माल चाहिए, हम उसको देख रहे हैं। बोले कौन सा माल, लड़की वाला माल की नशा वाला माल, समझ में नहीं है, हम तो कुछ बोले ही नहीं। बर्फ देख रहे हो भाई, मनाली का एकदम मोर रोड का देख रहे हो चहल पहल कितना ज्यादा है, बर्फ में एकदम सभी घूम रहे भाई। नीचे देखो पैर स्लिप खा रहा है एकदम। ये याक के देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, इसका फोटो बहुत अच्छा आता है। इसके हेयर देखो कितने बड़े बड़े, यहाँ पे और भी याक भी है, यहाँ पे देखो बहुत सारी याक है भाई, यहाँ भी है, पीछे भी है, बहुत है। हडिम्बा देवी के टेम्पल आप जाओगे ना, मुश्किल से मोर रोड से 15 मिनट लगेगा, आप पहुँच जाओगे। अभी का टेम्परेचर देखो -13 डिग्री आपको दिखेगा, आपको देख के लग रहा है स्नोफॉल हो रहा है। सामने देखो, स्नोफॉल नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन स्नोफॉल नहीं है। ये ऊपर जो पेड़ है ना, पेड़ में बर्फ जमा हुआ है, उसी में से गिर रहा है। हाँ मैं बैठो, यहाँ तीनों भाई थोड़ा रेस्ट करेंगे, तब हम आगे जाएंगे। ऊपर से इतना छोटी छोटे बड़ा बड़ा बर्फ गिर रहा है ना, माथा फट जाए। हम एक मनाली फिल्म का मतलब एक सीनेरियो बना रहे हैं, अभी नहीं, एक कैमरा हमें गया, हम एक मनाली फिल्म का वो बना रहे हैं, मतलब एक मनाली सीरीज हम बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम GoPro DSLR दोनों से मस्त बना रहे हैं। ये वाला जो वीडियो है ना, कम से कम 10-15 दिन बाद आएगा, इसमें पूरा एडिट करना होगा भाई, तो ये आराम से आएगा। फिलहाल आप ब्लॉग का एंजॉय करो, तब तक क्या ही खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हो चारों तरफ भाई, हमारा पागल हो गया। ए हमको ऐसी जगह गोला बना के मार दिया, बता नहीं सकते, बहुत जोर से लगा। बनने वाला है अभी भी, देखो हम मनाली को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मालूम मनाली बहुत ऐसे जगह है जहाँ, मनाली में से बहुत जगह है जो बहुत खूबसूरत है, फोटो एक से एक आएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको ढूंढना पड़ेगा। बर्फ 2 दिन से लगातार गिर रहा है, तो फिलहाल आज भी ऐसा बोला जा रहा है ना कि आज भी बर्फ गिरने का संभावना है, देखते हैं कब तक गिरता है। और बर्फ गिरेगा तो आपको सिर्फ इसी चैनल पर देखने मिलेगा, जियो से। ऑल्टो यहाँ का लोड है, हट जा भाई, हट जा। अरे नहीं जा पा रहा, एक और कोशिश ऑल्टो की, लोड ऑल्टो जा रही है, फिर से जा रही है, नहीं जा पाएगी, हमको 100% भरोसा है, नहीं जाएगा। नहीं जा पाएगा। मनाली के मोर रोड में घूम रहे हैं, लेकिन रुको आपको हम दृश्य दिखाते हैं कैसा है यहाँ का दृश्य। ऐसा लग रहा है हम भंडारा में आ गए, इतना भीड़ है मोर रोड में, पूछो मत। तो कितनी छोटी छोटी गुलाब जामुन हम खा रहे हैं मनाली के मोर रोड में, यहीं पर अभी बेच रहा था यहाँ पे। घूमना फिरना हो गया हमारा, अब हम चलते हैं सीधा, खाना वाना खा लिया, अब चलते हैं सीधा रूम। तो आपको अपना रूम दिखाते हैं, रूम भी हमने ले लिया है भाई, आपको अपना रूम दिखाते हैं। रात 1 बजे तो आपको अपना रूम दिखाना भूल गया, तो रूम देखो याद है, हम सोने जा रहे थे, तो आपको तो रूम दिखाई, तो हमारा रूम देखो ये है। हम अभी 3-4 महीने पहले भी ना जब मनाली आए थे, तो यही रूम तो हमने लिया था, तो फिर सोचते हैं क्यों ना इसी रूम को मैं फिर से लेता हूँ। ये देखो इतना ठंड है यहाँ पे भाई, है रहा है कुछ नहीं कर, अभी एक अम्बल को गर्म रखे हैं। तो बस रात के 1 बज गया, तो सुबह भी हमें घूमना है, हो सके तो कसोल या फिर जहाँ जहाँ हो सके सोलांग वैली जाएंगे। तो अभी हमें भी नहीं पता कल क्या करना क्या नहीं, पता नहीं जिंदगी कहाँ जाएगा, बस घूम रहे तो उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। बस वीडियो का यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, धन्यवाद। जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बताएँ।